17 मार्च 1991 रोजी नाशिकमध्ये सार्वजनिक वाचनालयाच्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सव समारंभासाठी अटलजी आले होते. त्यांनी यावेळी पुस्तकांप्रती असलेलं प्रेम अभिप्राय नोंदवत दाखवलंय, आपण पाहूयात. नासिक के नगरी में सार्वजनिक वाचनालय के शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव समारोह में भाग लेकर बड़ी प्रसन्नता हुई. किसी वाचनालय के इतने प्रदीर्घ कालखंड के उतार चढ़ाव को सफलतापूर्वक झेलकर निरंतर सफलता के सबल चरण बढ़ाना अपने में एक महती उपलब्धि है. वाचनालय के संस्थापक, संचालक, व्यवस्थापक, सभासद, कर्मचारी, पाठक सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं. वाचनालय को शासन द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है. पुस्तकें महंगी है हो रही है, उनके रख रखाव पर होने वाला व्यय भी बढ़ रहा है. शासन को मुक्त हस्त से सहायता देनी चाहिए, साथ ही पुस्तकों का चयन पूरी तरह वाचनालय पर छोड़ देना चाहिए, असा अभिप्राय त्यांनी 91 साली जेव्हा ते तिथे आले होते तेव्हा नोंदवला होता.